से पानी भर लेते हैं और पानी बिल्कुल प्योर है। अभी मैं पहुंच गया कैसीनो साइट पे, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना ये शिप, ये सारे के सारे कैसीनो हैं। यहाँ पे रात को कैसीनो खेलते हैं और बस कुछ खाने पीने का, कैसीनो खेलने के लिए शिप रुके हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे। यहाँ से एक बोट जाती है जो कैसीनो तक लेके जाती है और वहाँ पे कैसीनो खेला जाता है। फाइनली हम पहुंच गए इस चर्च पे। यही वो चर्च है जिसमें काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। बस एक फ्रंट है इसका देखने के लिए, और तो कुछ है नहीं। यहाँ से कुछ दिखा देता हूँ। काया की ले ली है और भी समुंदर में उतर गए हैं। मज़ा ही अलग है यहाँ पे कायाकी में, कायाकी करने का बीच पे आके। एक चीज़ है यहाँ पे मुझे जो देखने को मिली, और रिलैक्स फील करो आराम से, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि आप बीच से काफ़ी दूर रहते हो और अकेले। वैसे मैं अकेला बिल्कुल ठीक, तो बीच समुंदर में आके कायाकी का मज़ा अलग है। कायाकी करते करते बीच समुंदर में आ गए, पर यहाँ पे आके एक बात का पता चला कि भाई यहाँ पे सी का मोशन की वजह से ऊपर नीचे उल्टी और सिर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये बहुत फर्क पड़ता है। आप बीच पे चले जाओगे वापस, फिर आपको नहीं पता चलेगा, फिर नॉर्मल हो जाओगे, पर यहाँ पे आने के बाद सर में दर्द और उल्टी का बड़ा कॉम्बिनेशन है दर्दनाक सच में। जो समुंदर में रहता है, मतलब जैसे कोई भटक जाता है या गिर जाता है बाय चांस, किसी कश्ती ख़राब हो जाती है भाई, उसी को पता चलता है कैसे वो काटता है। नहीं तो बड़ी दर्दनाक मौत मिलती है समुंदर में। दिखने में बड़ा शांत बड़ा अच्छा लगता है, पर जो मौत मिलती है ना यहाँ पे, इससे अच्छा आदमी खुदकुशी कर ले, ऐसी बड़ी दर्दनाक मौत मिलती है। दिखने में भी अच्छा लग रहा है, वाटर स्पोर्ट है, पर थोड़ी देर के मजा ही है। आई हैव ऑल्सो फेस मोशन सिकनेस व्हेन आई एम इनसाइड द सी। हम आगे भाई आरंबोल बीच पे, जो कि फेमस है रशियन लोगों के लिए। यहाँ पे सारे ये लगा के चलो 70% लोग जो होते हैं ना रशियन ही होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ गोवा के लास्ट सी में पड़ता है और बिल्कुल शांत प्लेस है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा आते हैं ना। कोई जैसे बागा हो गया, इन पे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, इससे बचने के लिए यहाँ पे आते हैं।
भाई आज करते हैं जंगल में मंगल। ठीक, आज देखते हैं जंगल की कैसी रात रहती है। आज पूरी रात जंगल में रुकते हैं और मजा करते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं स्वीट वाटर लेक, जो मेरे पीछे सामने दिखाई दे रही है ना, वहां पे उसके पीछे स्वीट वाटर लेक। और ये बड़ा सबसे बढ़िया व्यू बीच लगा मुझे अब तक का। और मैं आगे आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। गोवा में सबसे बढ़िया जगह लगी मुझे यहां घूमने। और ये है स्वीट वाटर लेक। यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है फॉरेस्ट की। फाइनली हम घुस गए हैं फॉरेस्ट के अंदर। बिल्कुल प्योर पानी। ये भी स्वीट वाटर है, जो पहाड़ों से रिसकर जो पानी आता है ना, वो यहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे नहाते हुए। ठीक, और वहाँ से पानी भरेंगे हम, यहाँ से पानी भरेंगे। यहाँ पे काफ़ी पॉइंट हैं पानी के, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पानी कलेक्ट किया जाता है। इसकी लीव से रिस के आता वो काफी पॉइंट है। यहाँ से पानी भर लेते हैं और पानी बिल्कुल प्योर है पीने लायक। मिनरल वाटर इसी को बोलते हैं भाई, बिल्कुल प्योर पानी। पहाड़ों से रिसकर जो पानी आता है साफ, बिल्कुल मिनरल वाटर। इससे बढ़िया पानी कोई है ही नहीं। आज करते जंगल में मंगल।